नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको शीर्षासन सिखाऊंगा। एक आसान स्टेप से मैं आपको सिखाऊंगा कि शीर्षासन हम किस तरह से कर सकते हैं। आप अगर शुरुआत कर रहे हो तो मैं कहूंगा कि दीवार का सपोर्ट लें, दीवार की सहायता से इसे करें ताकि थोड़ी आपको आसानी होगी। और अगर आप बिना दीवार के भी करना चाहते हो तो कोई दिक्कत नहीं, आपको कुछ प्रिकॉशंस सावधानियाँ इसमें रखनी पड़ेंगी ताकि आप गिर ना जाए। तो शुरुआत आपको बेसिक करनी है, बिल्कुल ईजी बताऊंगा मैं। इसमें दो पद्धति रहेगी, एक तो ये और फिर हम इस तरह से ग्रिप लेंगे नीचे झुक कर, ठीक है, इससे ज़्यादा ग्रिप मिलेगी आपको। और दूसरा ये रहेगा, ठीक है, सर रहेगा यहाँ पर और हाथ रहेगी यहाँ पर, इससे आपको ज़्यादा सपोर्ट मिलेगा। अब मैं तो यही प्रेफर करता हूँ क्योंकि इस पर मुझे ज़्यादा ग्रिप मिलती है और ज़्यादा सपोर्ट मिलता है, ठीक है। ये रहेगा ग्रिप वाला पार्ट, ठीक है, ज़्यादा ग्रिप मिलेगी मुझे इससे, ठीक है। और ये रहेगा सपोर्ट वाला पार्ट, इससे मुझे ज़्यादा सपोर्ट मिलेगा, ठीक है। तो आपको जो भी आसान लगता है आप वो फॉलो कर सकते हैं। ये मैं ग्रिप से आपको बताता हूँ, ग्रिप से कैसे इस तरह से आपको पकड़ना है, ठीक है, और फिर यहाँ रखना इस तरह से, सर आएगा मेरा यहाँ पर। और मैं पहले, जो लोग शुरुआत कर रहे हैं वो लोग इसको एक पैर से करें, बस ऐसे प्रैक्टिस करें एक दिन, एक दिन बॉडी को आपकी आदत हो जाएगी इसकी, ठीक है। फिर दूसरा पैर एक दिन, फिर बॉडी को इस तरह से थोड़ा बैलेंस मिल जाएगा, पूरी आदत हो जाएगी, बॉडी प्रिपेयर हो जाएगी इसलिए, ठीक है। और फिर जब आप थोड़े प्रिपेयर हो जाएंगे तो दीवार का सहारा लीजिए या किसी और को सपोर्ट देने के लिए कहिए। और आप फिर पहले एक पर, मतलब पहले एक पैर आपका ऊपर लेंगे, उसके बाद में हल्के से आपका दूसरा पैर भी ऊपर लेंगे, ठीक है। कुछ दिन आप इतनी प्रैक्टिस कर लीजिए, काफ़ी है, मतलब ऐसे रहिए कुछ दिन, कुछ दिन ऐसे रहिए। जब ये भी आपका बैलेंस बन जाएगा तो आपको धीरे धीरे आपके पैर ऊपर उठा लेंगे, चाहो तो आप एक पैर ऊपर उठा सकते हो, ठीक है। फिर दूसरा पैर, ठीक है, आप जब एक एक पैर से प्रिपेयर हो जाएंगे तो आपको दोनों पैर उठाना, ठीक है, आप मतलब कम्प्लीटली बैलेंस हो जाओगे इसमें, ठीक है। अब मैं दूसरी साइड से दिखाता हूँ इसे आप कैसे कर सकते हैं, ठीक है। ये मेरी हैंड ग्रिप रहेगी यहाँ पर, मैं ऐसे रहूँगा। अभी मैं एक पैर, मतलब एक पैर से शुरुआत करूँगा, बाकी को दूसरा पैर शुरुआत कर लूँगा। अब मैं ऊपर उठूँगा, जैसे मेरी बॉडी थोड़ी बैलेंस हो जाएगी, रिपेयर हो जाएगी, मैं थोड़ा ऊपर उठूँगा और फिर पैर पूरे मेरे ऊपर जाएंगे इस तरह से, ठीक है। तो ये होगा ग्रिप वाला पार्ट। अब इसके बाद में हैंड वाला पार्ट मैं बताता हूँ आपको, ठीक है। अभी थोड़ा अगर आपको बेटर बैलेंस चाहिए, ग्रिप से काम नहीं बन रहा है, तो आप बैलेंस की तरीके से जा सकते हो। मेरे हाथ यहाँ रहेंगे, सर लगभग यहाँ रहेगा, ठीक है। और सेम प्रैक्टिस करनी है आपको, एक पैर ऊपर रहेगा, ठीक है, और फिर कुछ दिनों बाद, मतलब और दूसरा पैर ऊपर रहेगा, फिर वो ऊपर जाएगा फिर, ठीक है। ये प्रैक्टिस आपकी जब हो जाती है तो आपको क्या करना है, आपको दोनों पैरों को यहाँ तक रखना है, ठीक है, काफ़ी यहाँ तक रखिए, बैलेंस करिए बॉडी को। कुछ दिन आपकी बॉडी ऐसी प्रिपेयर हो जाएगी तो आप फिर ऊपर उठ सकते हैं, इस तरह से ऊपर उठ सकते हैं। इसको थोड़ा बैलेंस मतलब मिल जाएगा आपको, लेकिन ये पोजीशन में मैंने देखा है कि लोग ज़्यादा गिरते हैं, मैं कुछ ज़्यादा गिरा हूँ ये पोजीशन में, एज़ कम्पेयर टू ग्रिप वाली पोजीशन, थोड़ा आपको वो संभल के रहना है ये पोजीशन में। नीचे आते वक्त आपको जो है आराम से नीचे आना है, अभी मैं थोड़ा फास्ट आया हूँ, नीचे आते वक्त आपको इस तरह से आना है, फिर नीचे, फिर इस तरह से, मतलब बैलेंस वाला पार्ट इस तरह से कुछ, इस तरह से ऊपर जाएगा, ठीक, मेरे दोनों हाथ इस तरह से रहेंगे, बॉडी इस तरह से ऊपर जाएगा।